बुरहानपुर जिले की शाहपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 800 मीटर सड़क निर्माण के लिए 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं कि नगर पंचायत के सीएमओ और नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसे घटिया गुणवत्ता का घोषित कर इसके पुनर्निर्माण के आदेश दिए हैं, लेकिन नगर पंचायत के इंजीनियरों और सीएमओ ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इंदौर से टीम आकर इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसे तोड़ने के आदेश दे दिए गए। जब इस संबंध में ठेकेदार मोहित पाटिल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी सड़क खराब होती तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी सड़क का क्यूब टेस्ट व अन्य टेस्ट भी करवा लिया है जिसमें घटिया क्वालिटी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, तो फिर इस बार पूरी सड़क को तोड़ने के आदेश क्यों दिए गए। वहीं इस सड़क की ज्वाइंटिंग जोड़ने से के टेंडर में कोई आदेश नहीं थे और यहाँ नालियाँ ना होने के कारण पानी सड़क पर रुक रहा था और उन्हें घटिया क्वालिटी की लग रही थी। इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये रोड की गुणवत्ता है, अभी आप देख रहे होंगे खुदाई हो रही है, खुदाई के अंदर जिस प्रकार की रोड में सीमेंट से ज़्यादा मिट्टी निकल रही है, आप इससे उसकी गुणवत्ता की जांच हो जाएगी। ठेकेदार द्वारा इसकी गुणवत्ता इतनी हीन की गई, इसमें कहीं ना कहीं नगर परिषद के जो कर्मचारी है उनकी अनदेखी का ये पूरी तरह से मतलब इसमें खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जब बना था तब जो है यदि नगर पालिका के अध्यक्ष और जो है परिषद यदि इस पर ध्यान देती तो कहीं ना कहीं अब जो है ये स्थिति नहीं बन पाती। देखिए बिल्कुल, उस समय जिस समय ये इसका निर्माण कर रहा था उस समय भी आपने मैंने आपके माध्यम से ही एक बाइट दी थी कि इसमें गुणवत्ताहीनता हो रही है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उस समय नगर परिषद सीएमओ वगैरह उल्टा हमें बोल रहे थे कि आप विकास में बाधा बन रहे हो और आज उसी विकास के 12 बजा दिए गए हैं। ये जो रोड है ये बस स्टैंड से लेकर नाजंगड़ा फाटे तक बन रहा है और रोड गुणवत्ताहीन था, इसलिए इसको ठेकेदार को फिर से काम करने का कहा है। इसकी लागत क्या होगी? इसकी लागत लगभग 60 लाख रुपए थी और इसको पेमेंट इसका इसीलिए रोक दिया गया कि इसने गुणवत्ताहीन कार्य किया था और शाहपुर में यदि कोई भी ठेकेदार गुणवत्ताहीन काम करता है तो हम लोग उसका पेमेंट भी रोकते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट भी करवाते हैं। तो जब रोड बन रहा था तब इसका गुणवत्ता इसकी चेक नहीं की गई थी? समय समय पर इंजीनियर द्वारा गुणवत्ता चेक की जाती है और उसको जिस तरीके से काम बताया गया था उसने उस तरीके का काम नहीं किया। उसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उसमें जो उसका गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया, इसलिए उसको पुनः तोड़ के ठेकेदार द्वारा ही बनाया जा रहा है। कितना लंबा सड़क है सर? ये लगभग 800 मीटर है। तो इसकी जांच रिपोर्ट में ये गुणवत्ता आनी थी वो नहीं आई, इसलिए तो पुनः ठेकेदार को पेमेंट नहीं करा उसका और पुनः उसको बनाने के लिए निर्देश दिए, वो खोद के पुनः उसको बना दिया।